सोलन में पुलिस विभाग द्वारा एक निजी शिक्षण संस्थान में एसपी की पाठशाला कार्यक्रम के तहत एक जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नशे व नशे के दुष्प्रभाव के बारे में छात्रों को जागरूक किया गया। कार्यशाला में सोलन व आसपास के स्कूलों के तकरीबन 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विशेषज्ञ द्वारा छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। छात्रों ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों से आए विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक सुना और एसपी मधुसूदन शर्मा से प्रश्न किए। कार्यशाला में एसपी ने बच्चों के पूछे गए प्रश्नों के जवाब दिए और छात्रों की जिज्ञासा को शांत किया। अगर उन्हें बता भी दिया जाए कि इसके ये नुकसान है, परंतु फिर भी वो उसकी तरफ क्यों प्रवृत्त हो जाते हैं कि मान लो आप किसी एडल्ट को पकड़ भी लेते हैं, उसको जज के पास ले जाएंगे, उसने जज को सिर्फ इतना बताना है वो नहीं करें, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करें, उसकी स्मेल से पता चल जाएगा। एसपी ने कहा कि आज के समय में युवाओं में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को जड़ से खोखला कर रहा है। नशे के इस कारोबार पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि यदि कोई भी कहीं भी नशा करता हुआ दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। आज LR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने एक वर्कशॉप चलाई है, जिसमें तकरीबन 20-22 स्कूलों के बच्चे जो हैं यहाँ पे आए हैं, उनको नशे के बारे में जागरूक किया गया है और बच्चों ने बहुत ही अच्छे सवाल प्रश्न पूछे हैं। तो उन्होंने ये पूछा है कि उनके बारे में सूचना कैसे दें, इसके बारे में सजा के क्या प्रावधान हैं और अलग अलग तरह की जो मादक द्रव्य अधिनियम है उसकी जो क्या प्रक्रिया है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में बच्चों ने अपने सवाल पूछे और हमने कोशिश की कि हम उनके उत्तर दें। मेरी आम नागरिकों से, खास करके युवाओं से और बच्चियों से ये अनुरोध है कि वो नशा जो बेचते हैं उनके बारे में हमें सूचना दें और सूचना देने वाले का नाम हम किसी भी हालत में उजागर नहीं करें। एन स्टार न्यूज़ के लिए सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।